और ये ऐसी एक एफर्ट है जिसका बहुत अरसे से इंतजार था। अल्लाह ताला ने कामयाब किया उसको आपको। और मेरा ये सवाल ये है आपसे कि ये इतनी अच्छी कोशिश मेरे ख्याल बुक शेल्फ में रख लेके तो नहीं होगी ना, कि आपने किताबों को बुक शेल्फ में सजा दिया और बस वो पढ़ी है वहां पर, कि तारीखी किताब तो है नहीं। इसको आगे किताब को नहीं, इसके नजरियात को फैलाने के लिए आप अपने को प्लान जाहिर करें कि पाकिस्तान के जो हमारी नई पौध है उसमें आपने इसको किस तरह फैलाना है और उनको शौक हो पढ़ने का कि हमें पढ़ना है, एक सवाल। दूसरा ये कि इसको फैलाने के लिए जाहिर है आसान काम नहीं है, रुकावटें आपको बहुत आएंगी, क्योंकि हर अच्छे काम को बढ़ाने के लिए आपको रुकावटें उसमें आएंगी और आती हैं, उसके लिए आपका क्या प्लान है। और तीसरा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं पाकिस्तान में वो कोई कैपिटल सिटी नहीं है, एक छोटा सा गांव है, और आपकी जो सियासी पार्टी है उसी से ताल्लुक रखती है, आपका सियासी बैकग्राउंड ऐसा है, आपके वालिद मोहतरम की जो गुडवेल है उसको उसको से उसको आगे आप लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको, आमीन। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आप मुतमिन हैं कि उस छोटी सी जगह से आप इस किताब को, इस नजरियात को, अच्छे नजरियात को लेकर चलेंगे तो ये उसी तरह फैले कि जिस तरह को बंदा कराची में बैठा है वैसे ही उसकी आवाज आएगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका जो सवाल है किताब चीज जाके एक चीज पढ़ सके, क्योंकि मेन तो तालीम वहां से चल रही है और बेसिकली है पूरी कौम का हक, हर पूरी कौम को शऊर दिया जाएगा, लेकिन मेन जो इनिशियल स्टेप है, जो फोकस स्टेप है, वो स्कूल है, जो बिगनर्स है, जो हम शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है इसका कि हम क्योंकि सूबे हमारे चार हैं, पांचवा बनता है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, उनके अंदर भी ट्रांसलेट इसको करवा के बुक को स्प्रेड करना चाहते हैं। दूसरी ये पार्ट वन है बुक का, फंडामेंटल राइट्स की पूरी बुक आपके सामने नहीं, पूरी रखूँ तो चार आएंगी, उसके अंदर ये बुनियादी वो हकूक हैं जो मेरे और आपके भी जो बेसिक हकूक हैं। फिर उसके आगे एक कौम को शऊर ये भी दिया जाएगा कि आप जो वोट कास्ट करने जाते हैं, फिर एक आप तंजीम रजिस्टर कराते हैं अपने यहाँ पे, जैसे कि आप फ्राइन एक रजिस्टर कराते हैं, सुना ये है कि यहाँ पर जब आप फ्राइन रजिस्टर करवाएं तो उससे तो स्टड की या सिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारे वहाँ तो एक ही है, मतलब तो तीन चार पार्टी है, उसके अलावा तो अभी तक पता नहीं कितनी हो रही है, एनजीओ हैं, लेकिन एज ए सैड कि एनजीओ से कभी इनकलाब नहीं आए,